हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजू अब तो गए या चला गया? सर राजू अंडर वाटर में। हाँ भाई राजू, कैसे लगे तुम्हें डायमंड्स? विक्रम सर, वाह, ये डायमंड्स तो लाजवाब है, एकदम अनोखे, इसमें कोई दाग है ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था सबसे अच्छे डायमंड्स चुनकर लाऊंगा। सर ऐसे डायमंड्स तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। राजीव, मैं भी इसी तरह चौंक गया था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था। यू नो समथिंग, एंटवर्प के ऑक्शन में सभी की नजरें इन्हीं डायमंड्स पर थी, लेकिन मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। ग्रेट सर। ऐसी बोली लगाई कि सब लोग देखते रह गए। ग्रेट सर। एक्सक्यूज मी शीतल, अरे मैं अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है चलो। राजीव मुझे याद आया, आज तुम्हें किसी बर्थडे पार्टी में जाना है ना अपनी पत्नी के साथ। हाँ राजीव, तुम जाओ, बाकी के डायमंड्स मैं खुद चेक कर लूंगा। थैंक यू सर, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। गुड नाइट। हाँ शीतल, मैं स्टोर से निकल चुका हूँ। हाँ हाँ, घर के रास्ते में ही हूँ। Oh no. मैं तो वो गिफ्ट थोड़े ही भूला है। सॉरी 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 सर शीतल, तुम नाराज मत हो। हाँ हाँ हाँ, मैं स्टोर जाता हूँ और फटाफट गिफ्ट लेकर पहुँचता हूँ। ओके मंगेश, 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 अरे इस तो यहाँ होना चाहिए था। कितनी बार कहा कि ड्यूटी छोड़कर मत जाया करो। पान खाए बिना शीशे भी चैन नहीं। विनोद भी नहीं है यहाँ। इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको किसने मारा? विक्रम सर, विक्रम सर, विक्रम, दरवाजा भी खुला है। विक्रम सर, कुछ पता चला? सर ये देखिए, इसकी छाती पे एक और यहाँ पेट पे दो चाकू से वार किए गए। और तो और ये देखिए सर, इसके हाथ पे भी खरोंच के निशान है। इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की। कातिल और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में आता भाई है। इतने बड़े ज्वेलरी शॉप में एक ही सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं सर, एक और गार्ड था, मंगेश। मगर वो गायब है सर। गायब है? जी सर, पर वॉल्ट रूम में एक और लाश पड़ी है, उसे भी बड़ी बेरहमी से मारा है।
किसकी लाश है? सर स्टोर के मालिक मिस्टर विक्रम के। मिस्टर विक्रम सर, सर वो अजीब बात है सर, सर इस टेबल पे जो हीरे थे सिर्फ वही चोरी हुए, बाकी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया गया। हाँ सर, वो हीरे अंटवर्प के ऑक्शन से खरीद कर लाए थे हमारे विक्रम सर ने। आप? मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ सर। आप उस वक्त यहीं पे थे या फोन किया गया था? मैं यहीं था सर, मैं और मिस्टर विक्रम दोनों ही हीरो को चेक कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ का फोन आया और मैं निकल गया। रास्ते में याद आया कि मैं अपना गिफ्ट यहीं भूल आया हूँ, जब लौट कर आया तो तुम मरे पड़े थे सर। हीरे गायब थे? हाँ सर। सर तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वो कहाँ है? वो भी नहीं था सर। ये क्या हो गया सर? वही है ये। कहाँ गया था तुम? अर्जेंट काम से बाहर गया था साहब। क्या ऐसा क्या अर्जेंट काम था बताओ? घर में खाना खाने के लिए गया था साहब, हम सच बोल रहे साहब, नहीं तो हमारी बीवी से पूछ लीजिए साहब। खाना खाने के लिए गए थे? अर्जेंट खाना? बाहर जाके खड़े हो जाओ। तुम्हारे और विक्रम जी के अलावा इन हीरो के बारे में किसी और को जानकारी थी? हाँ सर, जोरा मेर के राजघराने को इन हीरो के बारे में जानकारी थी सर। जोरा मेर का राजघराना? हाँ सर, राजघराने की सारी ज्वेलरी यहीं पर बनती है सर। इन हीरों का इस राजघराने से क्या मतलब? ये हीरे उनके थे क्या? नहीं सर, उनके यहाँ एग्जीबिशन होने वाली है और ये सारे हीरे वहीं पर लगने वाले थे। अच्छा, ये बताइए कि विक्रम जी की जान को किसी से खतरा था क्या? हाँ सर, हितेश नाम के एक आदमी से झगड़ा हुआ था बस। हितेश कौन है? सर, सर आप लोगों को भी पता नहीं है कि मेरा कसूर क्या है। सर मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये लिख कर दो कि तुम विक्रम से नफरत करते थे। क्या? ये क्या है सर? ये है हितेश जी, कि विक्रम ने हीरे खरीदे थे एंटवर्प से अपने लिए और तुम्हारी आंखें गड़ी थी उन हीरो पर। देखिए सर, दरअसल जब हीरो की बोली लगाई गई, विक्रम ने बहुत ज्यादा बोली लगा दी थी सर। मैं तो देखता ही रह गया और इसीलिए जल भून कर खाक हो गए आप और वारंट निकाला विक्रम का, है ना? सर अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन ऐसा ही करता, पर मैंने ऐसा नहीं किया सर। अरे रे 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 अभिजी, देखा कितने सीधे साधे हैं बेचारे हितेश जी। हाँ सर, ये तो सच्चाई की जीती जागती मूर्ति है। ये तो खुद बताने वाले हैं कि इनका विक्रम से कई बार पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका है, बताने वाले ना? बताता हूँ ना सर। सर मैं विक्रम की सूरत से भी नफरत करता था, क्योंकि जब भी जहां भी मैं हीरो का सौदा करने जाता था वो आके अपनी टांग अड़ाता था। मिस्टर हितेश, बकवास बंद कीजिए, चुपचाप सच्चाई बताइए, विक्रम का खून किसने किया है? सर मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूं? एंटवर्प से खरीदे गए हीरे भी चुरा लिए तुमने? नहीं सर। देखिए सर, मैं विक्रम से नफरत जरूर करता था, लेकिन सर उसका खून? नहीं सर, ऐसी बातों में सपने में भी नहीं सोच सकता। सर अगर ये उसे मारने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था तो इसने हकीकत में मारा कैसे? गुनहगार अपने आप को बचाने के लिए अक्सर ऐसी बातें करता है। पर सर मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ सर। सिर्फ दो ही लोग थे उन हीरो के पीछे, एक तुम और दूसरा विक्रम। लेकिन विक्रम बेचारा ऊपर चला गया और तुम तो कह रहे हो कि तुमने विक्रम को नहीं मारा और ना वो हीरे चुराए, तो फिर ये तीसरा आदमी कौन है हितेश जी? सर मुझे नहीं मालूम। लगता है सर हितेश जी ने एक्टिंग भी सीखी है। सर, सर याद आया। देखिए सर, सर वहां एंटवर्प में मैंने विक्रम को किसी के साथ फोन पर जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना था। किसके साथ बात कर रहा था विक्रम? सर वो किसी आदित्य का नाम ले रहा था बार बार। कौन आदित्य? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, रेडी, राजू को फोन करो, पता लगाओ क्या वो आदित्य को जानता है क्या। यस सर। श्रेया सर, हीरे चुराने वालों की लिस्ट तैयार है? यस सर। सर 8-10 लोग हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी अभी जेल से छूटा हो।
यह जरूरी नहीं कि जेल में से छूटने वाले ने ये हीरो की चोरी की है, बाहर वाला भी हो सकता है। सर ये आदित्य महारानी राजलक्ष्मी का भाई है। महारानी राजलक्ष्मी का भाई है? सर महारानी का भाई हीरो की चोरी करके खून क्यों करेगा? घर का भेदी लंका डाय सूरज, कुछ भी हो सकता है। इस महारानी राजलक्ष्मी के भाई आदित्य का पूरा इतिहास निकालो। वाह भाई वाह, पहली बार मैं किसी राज घराने की हवेली में आया हूँ सर। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा झूमर। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें ऋतुराज जी से मिलना है। महाराज जी बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। देखिए हमें उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, हम लोग CID से हैं। हमें आदित्य जी से कुछ पूछताछ करनी है। आदित्य जी से? कौन है ये लोग? महाराज CID से। CID से? और हमारे हवेली में? महारानी साहिबा आपके भाई आदित्य जी से ये कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आदित्य से? आदित्य से क्यों? ऋतुराज जी आपको मालूम होगा कि आपके राजघराने के जौहरी विक्रम जी का खून हो गया। जी हाँ, ये बड़ा ही दुखद समाचार था, लेकिन आदित्य का इस खून से क्या लेना देना है? हमें पता चला है कि विक्रम और आदित्य के बीच में कुछ बहस हुई थी। ये असंभव है, क्योंकि आदित्य उससे क्यों भला बहस करेगा? फिर भी हमें आदित्य से कुछ पूछताछ करनी ही पड़ेगी। ठीक है चारू। जी महाराज। आदित्य को ले आओ। जी महाराज। देखिए ऑफिसर, विक्रम ज्यादातर मुझसे या फिर चारू से कोई चर्चा करता था, उसने आदित्य से कोई बहस की हो यह मुझे मुमकिन नहीं लगता। आदित्य, आदित्य आपकी विक्रम के साथ कुछ बातचीत हुई थी? विक्रम के साथ आपकी बहस हुई थी आदित्य? नहीं की थी, किसी से बात नहीं की थी। मैं नहीं करता किसी से बात, नहीं की थी। देखो ऑफिसर, आपने जो लड़का एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल सकता है वो भला किसी से क्या बहस करेगा? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चाहो तुम अपने कक्ष में जाओ। ये आदित्य जी ऐसे क्यों परताप करते? वो बीमार है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, वो ठीक से बोल नहीं सकते हैं। उनका मानसिक विकास आम आदमी की तरह नहीं हुआ है। ओ माफ करना, हमें पता नहीं था। लगता है हमसे कुछ गलती हो गई, ये वो आदित्य नहीं हो सकते। क्या लगता तारिका? आप सही कह रहे सर, कोई साधारण चाकू से तो ऐसा घाव हो ही नहीं सकता। Exactly. भाई मैं कह रहा हूँ ये साधारण चाकू हो ही नहीं सकता। हर बार यही सुनने को मिलता साड़ूंखे कि इस बार चाकू अलग सा ही है। अरे यार जो सच्चाई है वही कहेंगे ना। अब चाकू साधारण नहीं है तो कहना पड़ेगा चाकू साधारण नहीं है। सर सर ये देखिए यहाँ पे, विक्रम जी के शरीर पर ये जो निशान है ये है तो चाकू के। अरे ये तो मैं भी बता सकता हूँ। यार ये हीरा कहाँ से ढूंढ करके लाए हो तुम? चित्रोले के स्कूल का है। ओह चित्रोले, फिर तो इससे कुछ कहना ही क्या है। बोलो भैया, हाँ तुम्हारे जो मन में आए ना वो तुम बोलो। सर मेरे कहने का मतलब था कि ये चाकू का निशान है ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है, मेरी तो बात ही छोड़िए। हो गया, बच्चा ये नहीं बता सकता, ये
जो मैं बता रहा हूं। देखो ये, देखो ये घाव, जरा गौर से देखो, ये घाव ऊपर से चौड़ा है और फिर पतला होता जा रहा है। ये खुकरी का घाव, खुकरी का घाव है ये, वो खुकरी जो गोरखा रेजिमेंट की वजह से फेमस हो गई है। सर, सर, हेलो सर, खुकरी से कभी इस तरह के घाव होते हुए नहीं देखा। खुकरी तो चॉपर की तरह फोर्स के साथ चलाई जाती है ना सर, ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर तो घाव भी लंबा होना चाहिए ना सर। मुझे इतना मालूम है कि ये जो घाव है ये खुकरी का है और उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। ठीक है सर, ना दे सर, राजघराने के महाराज ऋतुराज जी का फोन था, उनका कहना है कि उनके करोड़ों के हीरे चोरी हो गए, वो भी किसी खास एग्जीबिशन से। यहाँ पर एक हीरो के व्यापारी का खून हो गया और वहां पर राजघराने के अमूल्य हीरे प्रदर्शनी से गायब हो गए। सर ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता, दोनों चोरियों में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस हीरे की चोरी के बारे में कब पता चला आप लोगों को? आज ही सुबह पता चला, ये लोग यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। लेकिन सुबह से हीरा गायब था और चारू सर भी गायब थे। चारू सर? ये चारू सर कौन है? मेरा असिस्टेंट था, वो धोखा दे गया कमबख्त, वही यहाँ का इंचार्ज था, लगता है हीरा वही खा गया। कल रात एग्जीबिशन बंद होने के बाद चारू सर काफी परेशान नजर आ रहे थे। यानी कि हीरा चोरी होने से पहले सबसे आखिरी में चारू जी थे इस कमरे में? जी सर, वो बार बार इस ग्लास बॉक्स की तरफ देख रहे थे। और ये चारू जी इस कमरे से बाहर कब गए? सर बस कुछ 15 मिनट बाद। और चारू जी आज काम पर भी नहीं आए, फोन भी बंद करके बैठे हैं। अगर ये चोरी चारू जी ने की होती तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब होके अपने आप को शक में क्यों डालते? मगर चारू जी की हरकत भी तो चोरों वाली है। खैर, तो ये हीरा यहां से चोरी हुआ कैसे? सर इस ग्लास पर किसी दाग या धब्बे का कोई निशान तो है नहीं? ना ही कोई उंगलियों के निशान है। काम करना, इस ग्लास बॉक्स को उठाऊं सर? एक मिनट, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ करो जल्दी। सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है जब वो चोर हीरा चोरी करने के लिए ग्लास शेल्फ उठाया होगा तो तुरंत ही सिक्योरिटी सिस्टम बजा होगा। सर हम तो ड्यूटी पे थे, कोई अलार्म बजा ही नहीं। इसका मतलब इस ग्लास केस को उठाया नहीं और हीरा अंदर से गायब हो गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? ये पता लगाना है, जब ग्लास शेल्फ उठाओ, संभाल के। जमीन पे लगा हुआ कारपेट भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और तो और ये ग्लास भी टूटा नहीं, और ये इस लाल कपड़े में भी कहीं पे भी छेद नहीं। तो फिर ये चोरी हुई कैसे सर? सर, सर इस हॉल में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, सारी खिड़कियां भी अंदर से बंद है। ये चोर आया कहां से और गया कहां से? सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच बंद करने के लिए तुम कमरे से बाहर गए थे ना अभी? जी सर। तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि चारू जी 15 मिनट के बाद कमरे से बाहर गए थे, उस वक्त तुम कमरे के बाहर खड़े थे या कहीं गए थे तुम? साहब थोड़ी देर के लिए बाथरूम गए थे, 5 मिनट में लौट आए। चारू जी को बोल के गए थे तुम? जी सर। ओ,
तो हो सकता है इन 5 मिनटों में चारों जी कमरे से बाहर गए, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ कर दिया, फिर वापस यहां पर आए, ग्लास शेल्फ उठाया, हीरे को चुरा लिया और फिर वापस जाके मेन स्विच ऑन कर दिया। मिस्टर चारू, अगर तुम ही चोर हो तो हमसे बच नहीं पाओगे। देखो सर। सर, चारू को भी वैसे ही मारा गया है जैसे विक्रम और उसके सिक्योरिटी गार्ड विनोद को मारा गया था। लगता है हथियार भी वही है। चारू और खूनी के बीच काफी हाथापाई हुई होगी। उसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है, इसीलिए चारों तरफ खून फैला हुआ है। तब तो सर वो चिल्लाया भी होगा, फिर किसी ने सुना कैसे नहीं। और बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी काफी सख्त है, खूनी को हथियार के साथ आते जाते किसी ने तो देखा होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजो और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। सर, हथियार मिल गया। सर ये देखिए, ये वैसी ही खुकरी है जैसी डॉक्टर सालुंखे उस दिन बता रहे थे। कमाल है, जिसके ऊपर शक था उसी का खून हो गया और हथियारा हथियार छोड़ के भाग गया। सर इसका मतलब उन हीरों की चोरी के पीछे चारू का नहीं, किसी और का हाथ। मगर कौन? कातिल राजघराने का कोई आदमी है या फिर बाहर का? सर डायमंड शोकेस के पास जो कैमरे लगे हुए थे दोनों, उनकी रिकॉर्डिंग ये रही थी। सर इस कैमरा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है कैमरा अटक गया है। सचिन तो दूसरे कैमरे की फुटेज देखते हैं। सर कमरे में तो कोई आया नहीं। हाँ सर, फिर भी चोरी हो गई। और सर ये अलार्म सिस्टम काम कर रहा था, फिर भी अलार्म बजा नहीं। वही तो दया, ना अलार्म बजा ना कमरे में कोई आया, तो फिर हीरा उठाया किसने? नामुमकिन है सर, जरा फिर से रिवाइंड करने से। ये सचिन इसे रिवाइंड करो। और सर ये जो ग्लास बॉक्स है यहाँ पे जरा गौर से देखना सर, ये हीरा अचानक कैसे गायब हो गया? सचिन जरा फिर से दिखा स्लो मोशन। सर एक मिनट, सर ये फुटेज की रिकॉर्डिंग ये जंप हो गई सर 6 सेकंड से। इसका मतलब है दया 6 सेकंड के लिए कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। पर सर कोई आदमी 6 सेकंड में हीरा लेके कैसे गायब हो सकता है? वही तो, कोई आया नहीं फिर भी कोई आया चुपके से और हीरा चुरा के गायब हो गया, कैसे? नहीं भाई,
दो बार हमारे हीरे लूटे गए हैं, तीसरी बार भी आप जोखिम उठाने को तैयार हैं, क्यों? रानी, ये जो सीआईडी वाले हैं ना, मुझे काफी तेज मालूम पड़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज यहाँ से और कोई हीरा चोरी नहीं होगा। और एक बात और, ये लोग आज चोर को पकड़ ही लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मगर कैसे? सर, ये भला कोई आइडिया है? चार घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन कुछ भी नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि हमारी ये चाल कामयाब हो पाएगी? नहीं, लगता नहीं। देखा सर, पूरा यकीन है, पूरा यकीन है हम कामयाब होंगे। सर, अब तो एग्जीबिशन खत्म होने का टाइम आ गया, अब तक चोर की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई। उम्मीद मत छोड़ो सचिन। नहीं, इस चोर ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस चोर को हमारी चाल के बारे में पता चल गया? सर, एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, हम जा सकते हैं? ठीक है, तुम लोग जाओ। सचिन, हम लोग भी चलते हैं। कमरे को बंद कर दो। सर, एग्जीबिशन तो खत्म हो गया। लगता है तुम सही कह रहे थे, चोर को हमारी चाल का पता चल गया, इसलिए वो जाल में फंसने ही नहीं आया। मेरा जाल बलक भी मजब करना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर कोई भी हरकत दिखाई दे तो आप फौरन इन्फॉर्म कर देना हमें, ठीक है? हम लोग यहीं पे हैं बाहर। यस सर। सर, उस ग्लास बॉक्स में कुछ हिला। चलिए, निकल लो। उठाओ उसे। नीचे नीचे रखो, नीचे रखो। अलार्म बंद करो जल्दी। ये हुआ कैसे? ये अलार्म क्यों बज रहा था? ओह माय गॉड, ये अनर्थ फिर से हो गया। लेकिन सब कुछ तो आपकी निगरानी के अनुसार हो रहा था, ये सब क्या हो गया? ये हमारे पुश्तैनी रतन थे और ये रतन में चोर। आपने हमें यकीन दिलाया था कि कोई अनर्थ नहीं होगा, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया और ये। देखिए राजलक्ष्मी जी, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, हम आपके अमूल्य रतन ढूंढ निकालेंगे, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखो, कमाल है, इतना कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद चोर सारे रत्न हमारी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया, वही मानना पड़ेगा। सूरज, चोर की तारीफ करने के बजाय, ऐसे बुदबुदाने की बजाय बेहतर होगा तुम काम पर ध्यान दो। सर, मैंने सैटिन के कपड़े के नीचे यहां पर कुछ हिलते हुए देखा था। संभल गया। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। सर, ये तो कुछ चिपचिपा सा है। यहाँ पे कुछ चिपचिपा है, बोन जैसा कुछ है। सर, लेकिन स्टूल पर तो गोंद जैसा कुछ भी नहीं। मतलब जो भी चीज थी वो इस लाल सैटिन कपड़े के साइड से चल रही थी और वो चीज भी चिपचिपी थी। हाँ सर, ये जो भी चीज है लेकिन अंदर कैसे गई? क्योंकि ग्लास के केस को हाथ लगाते ही अलार्म बजता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसे खोलो। सर,
हॉस्टल में तो हॉल है सर। हॉस्टल में हॉल? सूरज ये तो राजीव को अंदर बुला दे। निकाल दो फिर से लेटा संभाल के। पेडेस्टल में होल और फ्लोरिंग में सुरंग। सुरंग इस तरफ जा रहा है। सचिन बाहर जाके देखो ये सुरंग कहां खुलता। चल मम्मी इस पेडेस्टल में होल है। होल को जो दखन था उसमें तो कोई होल नहीं था। तुम्हें हीरा गया तो गया कैसे? जरा वो धक्का लगे ना। अरे वाह तो ये चक्कर है। क्या हुआ कुछ पता चला? आइए ऋतुराज जी आपके इस फर्श में ये सुरंग आपने ही बनवाया था। सुरंग? सुरंग ये सब तो पहले यहां नहीं था। इतना ही नहीं इस पेडेस्टल में देखिए पेडेस्टल में होल है। किसी ने इस सुरंग से कोई ऐसी चीज ऊपर पेडेस्टल में भेजी है जिस पे गम लगा हुआ था। अच्छा आपके यहाँ पे ये एग्जीबिशन का जो फर्नीचर है ये कौन बनाता है? हमारी पूरी हवेली का फर्नीचर प्रवीण के यहाँ से बन के आता है और वो तो बड़ा ही कुशल कारीगर है। बहुत अच्छा आदमी है वो। हाँ सचिन सचिन ये देखिए सर सुरंग इसमें कुछ है सर। हाँ सर सर ये देखिए सर ये लाल रंग का बाल कहीं चोर का तो नहीं? क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? सर मुझे तो ये इसी कारपेट का कोई लूज धागा लगता है। नहीं सूरज ये कारपेट का धागा नहीं है ये बाल चोर का ही है। हाँ चोर का। चोर इस होल से अंदर गया अंदर जाके वो हीरा चुरा लिया और यहीं से बाहर निकला। इतने छोटे सुराग में तो दुनिया का छोटे से छोटा बोना भी नहीं घुस सकता। इस सुरंग में सिर्फ एक चूहा घुस सकता है। रजत चोर एक चूहा ही है। सर लाल रंग का चूहा? हाँ लाल रंग का चूहा मगर असली चूहा नहीं रोबोटिक चूहा जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। रजत। यस सर। इस शहर में जितने भी खिलौने की दुकान है उन सब में जाके पता करो ये रोबोटिक चूहा कौन बनाता है इसका खरीदने वाला कौन है। तब तक हम इस महल के फर्नीचर बनाने वाले मिस्टर प्रवीण उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो राज महाराज ने जैसे ऑर्डर दिया था ठीक मैंने वैसे ही बनाया लेकिन ये नकली फ्लोरिंग नकली पेडेस्टल। किसने बनाया? सर मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे आदमियों को बुलाओ जो वहां काम करने गए थे जल्दी। मंगेश जी बुलाओ सबको। कितने लोग गए थे वहां पे काम करने के लिए? 3 आदमी थे सर। सबके सब यही हैं? हाँ सर। राजघराने में पेडेस्टल का काम किसने किया था? सर मैं तो सोफे और कुर्सी पॉलिश करा रहा था। मैं भी इनके साथ पॉलिश कर रहा था। भागने की प्रैक्टिस नहीं है तो क्यों भाग रहा था? सर मैं बेकसूर सर सर मुझे माफ कर दो सर मैं बेकसूर। बेकसूर है तो क्यों भागे जा रहा था? तब मैं क्या तब मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे और कहा था कि नकली पेडेस्टल और नकली फर्श बना दी। तब मैं सच कर रहा था। पैसे किसने दिए थे? तब मुझे उसका नाम नहीं पता। साहब मुझे नाम नहीं पता। साहब वो आदमी था या औरत? साहब वो आदमी था। उसने काला चश्मा पहन रखा था और एक बड़ी सी टोपी भी लगा रखी थी। साहब अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। साहब मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा टोपी पकड़ा जाता है यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा मुझे कुछ नहीं मालूम। साहब मैंने उसका हाथ देखा था। साहब
जब वो पैसे दे रहा था तो उसके दाएं हाथ की ये वाली उंगली नहीं थी। हाँ साहब, उसकी ये वाली उंगली नहीं थी साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, साहब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ साहब। दाएं हाथ की पहली उंगली नहीं थी। सचिन, ब्यूरो में सबको इन्फॉर्म कर दो। चल। आपके पास ऐसे खिलौने होंगे चूहे जैसे जो रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? क्या कहा? रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चूहा? क्यों चौंक गए? देखा सर, मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि मुझसे किसी ने दूसरी बार पूछा है। पहली बार किसने पूछा था? हमारे आगे एक सेल्समैन नीलेश ने मुझसे ये बात पूछी थी। अच्छा, ये नीलेश, क्या उसके दाहिने हाथ की ये पहली उंगली कटी हुई थी? जी हाँ। वो यहाँ अभी भी काम करता है या नौकरी छोड़ चुका है? आप कौन है? हम लोग CID से। जी सर, वो करीब कोई 6 महीने पहले हमारे यहाँ काम करता था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है। रहता कहाँ है नीलेश? मैम, उसका एड्रेस तो मेरे को नहीं मालूम। सर, चूहे और नीलेश दोनों गायब। सर, कहीं ये रिमोट कंट्रोल चूहे बनाने का आइडिया नीलेश को यहीं से तो नहीं आया? सर, आइडिया आने से क्या होता है, मार्केट में तो मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन किसी से बनवाया भी तो जा सकता है सूरज, हो सकता है किसी मैकेनिक से बनवाया। सर, एक तोपची नाम का आदमी है, वो इस तरह की चीज़ें खुद बनाया करता है। अगर आप चाहें तो आप उससे पूछ सकते हैं। तोपची सर, आप इतना अच्छा काम करते हैं, लगता है पूरी जिंदगी यहीं पे कट जाएगी। मिस्टर तोपची, सर अभी अगर भूकंप भी आ जाएगा ना तो तोपची सर को कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों, कम सुनते हैं क्या? नहीं नहीं सर, जब भी तोपची साहब अपना खिलौना बनाने बैठते हैं तो उनके आसपास क्या होता है उनको कुछ खबर नहीं रहता। सर, बहाना तो नहीं बना रहा? हुआ क्या? हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 महीने से पीछे पड़ा था, समझ में नहीं आता इसका सर्किट कैसे पूरा करूं। आज आप लोग कौन? हम लोग CID से। CID से? कभी रिमोट वाला चूहा बनाया आपने? हाँ, एक आदमी आया था, 3 रिमोट वाला चूहा बनाया था उसके लिए। क्या उस आदमी के दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर, मतलब ये वाली उंगली कटी हुई थी? हाँ, उसकी उंगली कटी थी। कहाँ रहता? सर, लगता है नीलेश के पीछे कोई आत्मा पड़ गई थी। देखिए, बहुत जल्दी में भगाई। इतना सारा पैसा, लगता है वाकई उसके पीछे आत्मा पड़ी थी, सारे पैसे जो छोड़ गया। सर, मुझे तो लगता है उसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। काम करो, ठीक से चेक करो। यस सर। सर, सूरज ये सर,
मैं कॉन्वेल ऑफ मिला कॉन्वेल यस सर वो मैं आप ही को देने के लिए ला रहा था पहले सोचा कि बाहर ले जाके रोशनी में इसकी फोटोज खींच लेता हूँ सर जो इसमें है वो बहुत ही धक्कादायक है विश्वास नहीं होता देखा सर है ना धक्कादायक सारा चक्कर समझ में आ रहा है बालों को रंगने के लिए कलर और आंखों का रंग बदलने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेस जल्द ही मुजरिम भी सामने आ जाएगा अब जीत सर को फोन करता हूं ये कैसा मजाक है ऑफिसर कि आप उन चोरों को पकड़ने की बजाय इस मासूम आदित्य के पीछे पड़े हुए हैं उसका भला इससे क्या लेना देना है लेना देना है आप प्लीज उसे बुलाइए हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है पूरन पूरन जी महाराज जी जाओ कुंवर आदित्य को उनके कक्ष से ले आओ महाराज कुंवर आदित्य जी अपने कक्ष में नहीं है वो हवेली से बाहर गए हुए महाराज हवेली के बाहर गए लेकिन आदित्य इस हवेली से अकेले कभी बाहर नहीं जाते हैं और ना ही हमसे कुछ पूछा गया और ना ही हमें कुछ बताया अरे हमारे तो उनसे बात भी नहीं हुई फिर कहाँ चले गए होंगे हाँ वो टैक्सी वाले से कह रहे थे कि पुष्कर नगर जाना है पुष्कर नगर मुझे मत मारो प्लीज मारो मत बचाओ मुझे अब मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा पता है क्यों क्योंकि मेरा काम हो गया है बस एक काम और बाकी है छोड़ दो मुझे मत मारो बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो तुम्हारी पागलों जैसी एक्टिंग करते करते मैं भी थक गया हूं मुझे अब तुम्हें झेलने की कोई जरूरत नहीं महीनों से आदित्य की जगह ले रखा था हवेली में अब उसी को मारने चला है आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं आदित्य नहीं बल्कि निलेश हूं शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुम्हें हवेली में वीडियो गेम उठाते देखा था जिस तरीके से तुमने वीडियो गेम उठाया वो तरीका मुझे बहुत अजीब लगा सारी उंगलियां मुड़ी हुई थी लेकिन सिर्फ एक उंगली सीधी थी वो तो होना ही था क्योंकि एक उंगली नकली थी और हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके दाहिने हाथ की एक उंगली कम थी और तुम्हारे घर से हमें बालों का गोल्डन कलर और ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंसेज मिले थे और साथ में आदित्य की फोटो भी और साथ में तुम्हारी फोटो भी पता चल गया था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो लेकिन तुम आदित्य नहीं नीलेश हो आइए आइए जल्दी दीदी 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 आदित्य तू ठीक तो है ना तू ठीक तो है भगवान इतने मैंने हम इस बदमाश के साथ रहे थे ऋतुराज जी हमने आपसे वादा किया था कि हम असली चोर को पकड़ के आपके हीरे और पुश्तैनी रतन आपको वापस कर देंगे ये रहा चोर और आपके हीरे और रतन ये रहे चारों को फंसा दिया बिना बात के हैं वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था तो मैंने उसे खत्म कर दिया मगर चूहे के बाल और गोंद का निशान हमें मिल गया और हम चूहे वाले तक पहुंच गए मैंने काफी प्रैक्टिस की थी बहुत दिमाग लगाया तुमने बहुत पापड़ बेले लेकिन उल्टे रास्ते पे अपनी लालच में तुमने विक्रम जी और चारू का खून कर दिया तुम्हें तो फांसी होगी ले जाओ इसे थैंक यू ऑफिसर आप लोगों ने हमारे आदित्य की जान बचाई और हीरे भी बचा लिए थैंक यू सीआईडी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.